Hey everyone, welcome to Spill B. Let's talk about Priyanka Chopra and is she being greedy? Because legit वो एक टेबल क्लॉथ को 30,000 रुपीज में सेल कर रही है. तो लेट मी जस्ट से दिस आउट लाउड दैट आई अडोर प्रियंका चोपड़ा. आई एम जस्ट अमेज्ड बाय हर कॉन्फिडेंस. एक्टिंग के एरिया में शी हैज एक्सेल्ड. बट बीइंग सेड दैट रिसेंटली पीपल हैव कॉल्ड हर आउट फॉर सेलिंग ओवर प्राइस्ड आइटम्स एंड आई समवेयर अग्री टू द पॉइंट्स रेज्ड बाय देम. And know this, ki you can be someone's fan and still point out their mistakes. That doesn't mean ki you are hating on them or anything. So Priyanka Chopra ne film industry ke alawa bhi aur kai industries mein tap karne ka try kiya hai. Jaise ki Sona restaurant jo New York mein Priyanka ne open kiya hai. Ab ye restaurant ko aise market kiya gaya tha ki authentic Indian style food yahan pe milega. Interior bhi waise hi design karne ka try kiya gaya. But if you see Google reviews is place ke kuch khas nahi hai. ऊपर से कुछ 3.3 का रेटिंग इट हैज. मोस्टली लोगों ने इंटीरियर के बारे में यही लिखा है दैट इंटीरियर इज बोरिंग एंड नॉट इम्प्रेसिव. अभी इसमें प्रियंका का फॉल्ट नहीं है बट हाँ इंटीरियर डिजाइनर इज एट फॉल्ट. बट एक बार इंटीरियर वर्क को लोग ओवरलुक भी कर लेते अगर इस जगह का खाना अच्छा होता तो. बट फॉर सम रीजन पीपल आर नॉट फाइंडिंग द फूड टेस्टी. एंड न्यूयॉर्क में ना और भी इंडियन रेस्टोरेंट्स है तो पीपल हैव ऑलरेडी टेस्टेड ऑथेंटिक इंडियन फूड एंड सोना इज नॉट गिविंग दैट ऑथेंटिक टेस्ट. प्लस इट इज वेरी एक्सपेंसिव. फूड रिव्यूज में यू विल सी कि कई लोगों ने ये मेंशन किया है दैट सोना में जितना मेरा बिल हुआ है खाना खाने के बाद उतने में आई कुड हैव ईटन इन सम मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट. तो आई अंडरस्टैंड प्रियंका इज ट्राइंग टू बिल्ड अ लग्जरी ब्रांड फॉर हर सेल्फ एंड हर मेन फोकस इज नॉट टू केटर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली मेंबर्स. हर अप्रोच इज टूवर्ड्स अपर क्लास फैमिलीज. पर इफ यू वॉन्ट टू बी कॉल्ड लग्जरी तो जो सर्विस के लिए चार्ज कर रहे हो ना वो एम्बियंस एंड फूड दे हैव टू प्रोवाइड जो यहाँ प्रोवाइड नहीं हो रहा. ये प्लेस के अंदर के जो फोटोज है ना वो इंटरनेट पे अवेलेबल है तो यू कैन सी इट फॉर योर सेल्फ. एंड नाउ सेम इज हैपनिंग विद सोना होम. प्रियंका एंड उनके पार्टनर ने सोना होम लॉन्च किया है जहाँ पे यू विल गेट डिनर वेयर टेबल लिनन्स बार एंड डेकोर एंड मेनी मोर डेकोरेटिव आइटम्स. और ये सब ना लग्जरी कैटेगरी के डेकोर आइटम्स है बिकॉज 5,000 का कुछ एक डिनर प्लेट मिल रहा है. सेट नहीं हाँ एक डिनर प्लेट और कुछ 3,500 का एक कप. पर सबसे ज्यादा लोग तब ट्रिगर हुए जब दे सॉ कि एक सिंगल टेबल क्लोथ 30,000 में बिक रहा है. यू कैन रीड सम रिएक्शंस फॉर योरसेल्फ. एंड सोना होम को ना मार्केट किया जा रहा है इंडियन कल्चर के नाम से एंड शायद इसी वजह से इतने ज्यादा ओपिनियंस आ रहे हैं अगेंस्ट दिस. कैप्शन में वगैरह इंडियन कल्चर एंड ऑल इज मेंशन. द पीपल फ्रॉम इंडिया एंड पीपल लिविंग अब्रॉड हु आर फैमिलियर विद इंडियन मार्केट हैव इश्यूज विद द प्राइस मेंशन्ड इन सोना होम का साइट. अकॉर्डिंग टू देम अगर किसी फॉरेन में रहने वाले पर्सन ने भी डायरेक्टली इंडिया से ऑर्डर किया ना तो भी शिपिंग वगैरह पकड़ के इतना प्राइस नहीं होता. फिर सम हैव रिटन कि सोना होम असली सोने के भाव में डेकोर सेल कर रहा है. तो अंडरस्टैंड दिस कि ये पहले बार नहीं हो रहा कि एक कपड़े का पीस इतना महंगा बेचा जा रहा है. इसके पहले भी बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स ऑलरेडी ये करते हुए आए हैं. बट यू हैव टू कंसिडर द फैक्ट कि ओवर द ईयर्स दे हैव बिल्ड देयर ब्रांड एंड दे आर लग्जरी. उनके जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं वो भी मैटर करता है. अभी प्रियंका चोपड़ा वॉन्ट्स टू प्ले इन दैट लीग देन शी विल बी होटिंग हर बिजनेस क्योंकि कॉन्स्टेंट कंपेरिजन किया जाएगा उसके प्रोडक्ट्स का विद अदर लग्जरी ब्रांड्स. जैसे काइली जेनर के साथ भी हुआ था. शुरुआत में वो हाई प्राइजेस में अपने आइटम सेल करने का ट्राई कर रही थी. वो भी प्रियंका की तरह अपने मेकअप ब्रशेस को ना कुछ 30,000 के अराउंड सेल कर रही थी. She wanted to be a luxury brand, but people called her out saying ki the brushes you are providing is not luxury and of course not worth $360 or so. जिसके बाद काइली अंडरस्टूड द ब्लंडर शी मेड एंड अभी फ्यू सी वो अपने लिपस्टिक्स को वगैरह वो प्राइस रेंज में रखती है जो थोड़ा अफोर्डेबल है. अभी प्रियंका इज ऑल्सो डूइंग द सेम मिस्टेक. डायरेक्टली शी इज ट्राइंग टू टेक दैट जंप इन टू बींग लग्जरी एंड शायद वो ये जंप ले भी पाती अगर पहला वेंचर जो उन्होंने शुरू किया था रेस्टोरेंट बिजनेस का वो सक्सेसफुल होता तो. अगर लोग कहते हैं कि हाँ भाई सोना में खाना खा के इट फेल्ट अमेजिंग इट वॉज अ लग्जूरियस एक्सपीरियंस तो धीरे धीरे करके वो लग्जरी ब्रांड बनता. बट लोगों का रिव्यू वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. दे सेड कि सिर्फ पैसा ज्यादा है एम्बियंस इज वेरी ब्लैंड. अभी सोना होम के साथ भी सेम इज हैपनिंग. इट इज लॉन्च्ड एज अ प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स एक्सपेंसिव होम डेकोर्स. बट क्या वो एक्चुअल में एक्सपेंसिव फील या लुक दे रहा है नॉट सो श्योर अबाउट इट. इवन दो आई लव प्रियंका बट आई ऑल्सो थिंक दैट शी इज ओवर प्राइजिंग सम ऑफ हर आइटम एंड नो डाउट आई एम प्राउड दैट उसने एक्टिंग फील्ड में हॉलीवुड में इतना नाम कमाया है. इंडियन एक्ट्रेस गोइंग टू हॉलीवुड एंड मेकिंग इट बिग ये आपको हमेशा सुनने मिलेगा अबाउट प्रियंका. बट वॉट हैपन्स ना कि अगर आप एक स्पेशल वर्ड को बहुत ही ज्यादा एंड हर वक्त यूज करने लग जाओगे ना तो वो पहले जितना स्पेशल नहीं रह जाता वो कॉमन हो जाता है. एंड सेम इंडियन कल्चर ये वर्ड के साथ हो रहा है. प्रियंका ने उसे बहुत बार यूज कर लिया है. एक्टिंग फील्ड में इट इज वेरी रेलेवेंट क्योंकि प्रियंका बॉलीवुड में भी एक्टिंग करती थी एंड अभी हॉलीवुड में वो है. तो वहाँ के लोग इंटरव्यूज के दौरान आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो कि बॉलीवुड में क्या डिफरेंट होता था. बट अभी वॉट इज हैपनिंग कि रेस्टोरेंट हो या होम डेकोर प्रियंका हर जगह है स्टार्टेड यूजिंग दिस लाइन कि आई एम ब्रिंगिंग इंडियन कल्चर एंड एक्सपीरियंस टू यू ऑल बाय सोना.
एक बार दो बार लोग इंटरेस्टेड होंगे सुनने के लिए, बट बार बार सब जगह आप यही कल्चर रेफरेंस देना शुरू करोगे ना, तो दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जस्ट एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, नथिंग एल्स. वो इमोशनल कनेक्ट चला जाएगा. एंड अभी ये प्रियंका के साथ भी हो रहा है, क्योंकि जब सोना होम को भी इंडियन कल्चर का एसेंस बोल के मार्केट किया गया, तो पीपल वर क्विक इनफ टू पॉइंट आउट एंड से कि स्टॉप मिल्किंग ऑन दिस वर्ड. अभी तक प्रियंका के इंटेंशंस एक्चुअल में अच्छे होंगे, दैट शी वांट्स टू रिप्रेजेंट हर कल्चर. पर ओवर यूजिंग दैट वर्ड इज बैकफायरिंग नाउ. इंटरव्यूज में वगैरह इंडियन कल्चर बोलना साउंड्स नॉर्मल, पर बिजनेस रिलेटेड चीजों में भी बार बार क्योंकि ये वर्ड यूज किया जा रहा है, तो लोग प्रियंका की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन करने लगे हैं. एंड अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि वाई सेलिब्रिटीज डू दिस, एक्टिंग छोड़ के दूसरे लाइन में वो क्यों जाते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि एक्टर्स स्पेसिफिकली जो होते हैं ना, दे नो दिस कि एक्टिंग एक स्पेसिफिक टाइम तक ही वो इमेंस फेम देता रहेगा उनको. एंड फॉर फीमेल्स इट इज मोर टफ, क्योंकि हार्श ट्रूथ यही है कि जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है वैसे वैसे उनको और बिकम रोल्स मिलते हैं, दूसरे यंग एक्टर्स उन्हें रिप्लेस करते जाते हैं. इसलिए अलॉन्ग विद एक्टिंग दे ट्राई टू बिल्ड समथिंग ऑफ देयर ओन जो लॉन्ग टर्म में उन्हें हेल्प करेगा. जैसे कटरीना कैफ ऑल्सो डिड दिस, उन्होंने के ब्यूटी लॉन्च किया इन पार्टनरशिप विद नायका, पर कटरीना ने हाई एंड ब्रांड के नाम से अपने लिपस्टिक्स को वगैरह सेल नहीं किया, ना ही चीप प्रोडक्ट्स के नाम से उसे सेल किया. शी टुक द मिडल रोड एंड दैट्स द रीजन नो वन हेटेड ऑन हर व्हेन शी इंट्रोड्यूस्ड के ब्यूटी. यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि लोग आपके फैन होंगे एंड दे विल लव यू एंड ऑल, पर द मोमेंट दे फील कि आप अपने फेम का थोड़ा ज्यादा ही फायदा उठा रहे हो, दे विल कॉल यू आउट फॉर बीइंग ग्रीडी. ऊपर से जिसने भी गॉर्डन रामसे का किचन नाइटमेयर्स वाला एपिसोड देखा होगा, दे विल नो कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है रेस्टोरेंट बिजनेस में, तो इट कैन बी टफ टू मेक दैट वेंचर सक्सेसफुल. जस्ट गिविंग एन एग्जांपल हियर, समझो कल जाके गॉर्डन रामसे स्टार्ट सेलिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, तो थोड़ा ऑड लगेगा ना, क्योंकि यू कांट रिलेट दैट प्रोडक्ट विद हिज पर्सनालिटी. हाँ, कुकिंग से रिलेटेड कुछ बेचते तो रिलेट कर पाते. तो सेम इज हैपनिंग विद प्रियंका. She is famous for her acting skills and not for her cooking skills. So, अगर प्रियंका cosmetic brand या clothing brand शुरू करती है, तो लोग ज़्यादा relate कर पाते, in my opinion, because her fashion sense is amazing and she looks glamorous whenever she steps out for any event. But out of nowhere, Sona was announced. Restaurant business is still something that people may relate to, but relating home decor to Priyanka is odd. जैसे सोनम कपूर, क्योंकि अपने फैशन सेंस के लिए काफी चर्चा में रही है, चाहे फिर वो अच्छा हो या बुरा, सो हमेशा शी हैज लिंक्ड हरसेल्फ टू वेंचर्स रिलेटेड टू क्लोथ्स, एंड दैट मेक्स सेंस, यू नो. तो आई फील प्रियंका आल्सो नीड्स टू इन अ वे हियर टू व्हाट पीपल हैव टू से अबाउट हर ब्रांड सोना. ज्यादा देर नहीं हुआ है, शी कैन रीस्ट्रक्चर अ प्लान, बट इग्नोरिंग अवर ऑडियंस शायद लॉन्ग रन में वोंट वर्क. सो या दैट्स इट, डू लेट मी नो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस. क्या आप 30,000 का टेबल क्लोथ खरीदोगे जस्ट बिकॉज प्रियंका चोपड़ा का नाम उससे जुड़ा हुआ है? And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.